चलो भाई बोर मॉडल देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है फर्स्ट लिखो, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड ओनली इन स्टेबल ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड ओनली इन स्टेबल ऑर्बिट्स। स्टेबल ऑर्बिट हैज थ्री प्रॉपर्टीज। फर्स्ट नॉन रेडिएटिंग, इसका मतलब इसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा। सेकंड डिस्क्रीट, इसका मतलब सारी ऑर्बिट कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी। एंड थर्ड डेफिनेट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड ओनली इन स्टेबल ऑर्बिट्स एंड स्टेबल ऑर्बिट्स हैज थ्री प्रॉपर्टीज। मैंने तीन बातें बोली, नॉन रेडिएटिंग, डिस्क्रीट एंड डेफिनेट एनर्जी। बस ये बोला, नॉन रेडिएटिंग का मतलब है नो एनर्जी लॉस, डिस्क्रीट का मतलब हर ऑर्बिट अलग होगी आपस में कनेक्टेड नहीं होगा, और डेफिनेट एनर्जी मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 होती है हाइड्रोजन में, सेकेंड 2nd पॉइंट उन्होंने बताया फॉर स्टेबल ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज परफेक्ट, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई। यानी जिन भी ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम, दैट मीन्स MVR NH by 2 pi होगा, सिर्फ वही ऑर्बिट्स कैसी होंगी, स्टेबल। और यहाँ n का मतलब क्या है, इंटीजर। बोर ने बताया कि न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं, बट इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में होगा जिनका नाम क्या है, स्टेबल ऑर्बिट्स। और उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन से ऑर्बिट्स स्टेबल है, जिन भी ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम मतलब MVR इसकी वैल्यू हमेशा h बाई 2 पाई, 2h बाई 2 पाई, 3h बाई 2 पाई, 4h बाई 2 पाई ऐसी आई, मीन्स NH बाई 2 पाई। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, इंटीजर होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं सिर्फ एंगल मोमेंटम मतलब, सभी नोट कर लिए। अगर नोट कर लियो तो आगे बढ़े। ठीक है थर्ड पॉइंट लिखूं, ठीक है n इक्वल टू 1 की एनर्जी किसी को पता है, हाइड्रोजन की अगर बात कर रहा हूं, -13.6, n इक्वल टू 2 की -3.4, n इक्वल टू 3 की -1.51, n इज इक्वल टू 4 की -0.85 ev। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में इसका n इक्वल टू 1 पे होगा राइट, अगर मैं इसको एनर्जी दूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, तो क्या एक्साइट होकर के वो 1 से जंप कर सकता है, 2 पे भी जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है, 4 पे भी जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, डिपेंड करता है एनर्जी के मैग्नीट्यूड पर। सपोज मैंने इतनी एनर्जी थी कि इलेक्ट्रॉन 1 से 4 पे चला गया, सही, तो
इलेक्ट्रॉन वन से फोर पे कब जाएगा? जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। पॉइंट समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो एक्साइट होकर वो वन से फोर चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन वन से फोर गया तो वहां रुकेगा या वापस आएगा? वापस आएगा। अब फोर से कहाँ आ सकता है वो? थ्री, फोर से टू, फोर से वन। सही बात है। इसका मतलब वन से फोर गया है बट फोर से वन आना जरूरी नहीं हो। फोर से थ्री पे भी जा सकता है, टू पे भी जा सकता है और वन पे भी जा सकता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो क्या लोअर टू हायर ऑर्बिट में जंप करेगा? और जब डी एक्साइट होगा तो वापस आएगा। ठीक बात बोली? मतलब अपनी एनर्जी को थ्रो कर देता है। आएगा ही आएगा, जरूरी है। जब फोर पे जाएगा तो वहां से वापस आएगा ही आएगा। वो फोर से नीचे आएगा, कहीं पे भी आएगा। कहाँ आएगा वो हमें नहीं पता। फोर से थ्री पर भी आ सकता है, टू पे भी आ सकता है और वन पे भी आता है। इलेक्ट्रॉन कौन से पक्का वापस नीचे। इसका मतलब फोर्थ ऑर्बिट में वो 10^-9 सेकंड तक स्टे करता है। तो लॉन्ग टाइम है या वेरी स्मॉल टाइम है? ठीक बात है ना। तो थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड रूल में उन्होंने बताया, व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट इट विल जंप फ्रॉम हायर स्टेबल ऑर्बिट टू लोअर स्टेबल ऑर्बिट। When electron de-excite, it will jump from higher stable orbit to lower stable orbit and emit gamma photons. Where delta E is equal to h nu. Nu is frequency of gamma photons. तो जब भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा वो डेफिनेटली एनर्जी को लूज करेगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में लूज करेगा? गामा फोटॉन्स की। तो एग्जाम में क्या पूछेगा? फ्रीक्वेंसी पूछेगा। कुछ लाइमन बामा से इसका आइडिया है, उसके बारे में बताया इन्होंने कि जब भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो डेल्टा ई किसके इक्वल होगा? एच न्यू। और डेल्टा ई का मतलब मेरा क्या है? डिफरेंस इन एनर्जी, मतलब ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। इनिशियल मैं किसको बोल रहा हूँ? हायर ऑर्बिट को, और फाइनल, फाइनल का मतलब है लोअर लिमिट। वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन जाएगा, तब भी चलता है बट वो हमारे काम का नहीं। हमेशा हम लोग किसकी बात करते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम की, मतलब फिजिक्स में इमिशन स्पेक्ट्रम। जब हम एनर्जी देते हैं तो अब्सॉर्ब करके लोअर टू हायर जाएगा और फिर हायर टू लोअर वापस आएगा, मतलब सेम ही फॉर्मूला कह सकते हो। चाहे लोअर टू हायर जाए, चाहे हायर टू लोअर जाए, डेल्टा इक्वल टू एच। एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर जाएगा, इमिट करेगा तो नीचे जाएगा। हाँ, इनिशियल माइनस ई फाइनल, और इनिशियल का मतलब मैं हायर लेवल कह रहा हूँ। इस डायग्राम में कंफ्यूजन है, सीधा मॉड डाल दो, मॉड डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, काम खत्म, प्लस माइनस का टेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, पूछो कहाँ डाउट है। मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, लिखा है मैंने गामा फोटॉन्स। गामा का सिंबल है भाई, ये गामा का सिंबल है सर, वाई है, चलो वाई बना लो, कोई दिक्कत, एक ही बात।
गामा लिख लो, चलो अब ठीक है। तो फर्स्ट रूल में इन्होंने क्या बताया, स्टेबल ऑर्बिट की प्रॉपर्टीज। सेकंड में बताया आइडेंटिफिकेशन की, स्टेबल ऑर्बिट पहचानोगे कैसे, एंगुलर मोमेंटम से। एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। एंड लास्ट वाले में क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो हमेशा गामा फोटॉन्स को मीट करेगा। अगर गामा फोटॉन्स की फ्रिक्वेंसी निकालनी तो एच लो। बाई चांस सपोज तुम वेवलेंथ निकालना चाहते हो तो कोई बात नहीं, एच सी बाई लैम्डा। ये भी सपोज लैम्डा निकालना चाहते हो तो एच सी बाई लैम्डा डाल दो। मान के चलना ऐसे एग्जाम में श्योर क्वेश्चन आएगा, श्योर आएगा, इस टॉपिक से आता ही आता है हमेशा। या तो बोर पोस्टुलेट्स पूछ लेता है या एक्सपेरिमेंटल पूछ लेता है। एक्सीबल अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट इन डालो, फाइंड स्पीड कॉमा रेडियस कॉमा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग बोर मॉडल। ठीक है, इसका मतलब इस पे एग्जाम में क्या आएगा, प्रूफ आता है। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉन का कैसे पाथ में मार रहे हैं, सर्कुलर। तो सर्कल के रेडियस मैंने कैसे लिए, आर, और न्यूक्लियस में मैंने क्या लिखा है, जेड ई प्लस जेड ई, मतलब प्रोटॉन्स शो करना चाह रहा हूँ, राइट। तो इलेक्ट्रॉन सर्कल में क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में कूलम्स अट्रैक्शन लग रहा है, उस अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं। ठीक बात है, मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई कूलम्स अट्रैक्शन। ठीक बात है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या पता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, और कूलम्स अट्रैक्शन के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक बात है, क्या आर से आर कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एम वी स्क्वायर आर किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर, राइट। जो मैं के लिख रहा हूं उसका मतलब मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहता हूं, राइट। अब इस एम वी स्क्वायर आर को क्या मैं एम वी आर इंटू वी कह सकता हूं, ठीक बात है ना। और बोर ने क्या बताया था, एम वी आर किसके इक्वल होता है, एन एच बाई 2 पाई। तो इसका मतलब मैंने एम वी आर को रिप्लेस कर दिया और क्या लिख दिया, एन एच बाई 2 पाई। मेरे पास वी का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई के ई स्क्वायर जेड अपॉन एच एन, सही लिखा है। जेड प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर कह लूं,
अब मैं चाहता हूँ क्वेश्चन टू को ध्यान से देखूं। इस वी के सबस्क्रिप्ट में मैंने एन लिख दिया है, क्या बताना चाह रहा हूँ? स्टेड इन एनथ ऑर्बिट, वी के सबस्क्रिप्ट में मैंने क्या लिखा है? एन। और जो भी चीज ब्रैकेट में लिखी है उसको हटाकर मैंने नाम क्या लिख दिया है? वी नॉट। पूरा कॉन्स्टेंट है क्या ब्रैकेट वाली चीज? VN का मतलब है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हाँ, क्योंकि इन्होंने कहा ये रूल है या पोस्टुलेट है? बोर रूल्स बोलते हैं, बोर पोस्टुलेट्स बोलते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब अजम्पशन, और कोई भी अजम्पशन तब तक राइट है जब तक उसको रॉन्ग ना प्रूव कर दो। तो इन्होंने कहा अज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड है इसका मतलब स्टेबल ऑर्बिट में एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, ठीक है ना? एक ही बात है, जेड ई इंटू ई या जेड ई स्क्वायर, एक ही बात है। जेड अलग है, वो ई इंटू ई है, क्यू इक्वल टू एनी। अब है Z तो नंबर है, जैसे मान लो सोडियम की बात कर रहे हो Na10 पॉजिटिव, तो Z एलिमेंट डालेंगे उसमें। Assumptions, जैसे बोर ने बताया था सेकेंड पोस्टुलेट क्या बताई थी, एंगुलर मोमेंटम एन एच बाई टू पाई होता है। Assumption आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया इसको, मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है? तो हमने देखा वी एन इक्वल टू क्या बन गया फॉर्मूला हमारा, वी नॉट जेड बाई, वेयर देख हाँ वही बता रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। वी नॉट हमारा क्या है? कॉन्स्टेंट है, वेयर वी नॉट इक्वल टू 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, कॉन्स्टेंट है। या ऐसा भी कह सकते हो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन 137, तो ये थोड़ा इजी फॉर्म में याद हो जाता है, वी एन इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन। नॉर्मली हाइड्रोजन की बात करता है तो जेड कितना लेंगे हम? मतलब बुक में z इक्वल टू 1 लेके ही सॉल्व किया गया है। हाँ, अब ध्यान देना, क्या हमें पता है mvr किसके इक्वल होता है? nh by 2 pi। ये v हमारा स्पीड है nth ऑर्बिट में, राइट? क्या रिप्लेस कर सकते हैं? चलो भाई, v को मैंने क्या लिख दिया? v नॉट z by n RN, तो RN का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H N स्क्वायर अपॉन 2 पाई M V नॉट Z। जो भी चीज मैंने ब्रैकेट में लिखी है वेरिएबल है या कांस्टेंट है? Planck's constant, R का फॉर्मूला क्या बन गया? R नॉट n स्क्वायर बाई z। ठीक है, R नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोर रेडियस 0.529 या 0.53 एंगस्ट्रॉम। R नॉट की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम, इजी टॉपिक है। बस दो बातें ध्यान रखना, पहला सेंट्रीपेटल फोर्स, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, हो जाएगी डेरिवेशन। प्री बोर्ड में श्योर आएगी।
दो बातें याद रखनी, मैंने बोला पहला फोर्स की इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, इससे ही सब बन जाता है। तो मैं चाहता हूँ दो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, थर्ड फॉर्मूला वी एन इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, एंड फिफ्थ फॉर्मूला आर एन इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। फोर्थ याद करना आसान है, थोड़ा मुश्किल है, अगर याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा, अगर फोर्थ नहीं याद कर सकते तो एटलीस्ट थर्ड एंड फिफ्थ ये तो याद होने चाहिए। सर ये वाला फॉर्मूला तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल? हाँ हाँ करते हैं, थर्ड और फिफ्थ हम डायरेक्ट यूज करेंगे, थर्ड और फिफ्थ एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। अगर यहां तक की बात क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो हमारी हेडिंग का नाम क्या था, स्पीड रेडियस एंड एनर्जी। तो अभी दो बातें निकाली हमने, स्पीड एंड रेडियस, अब क्या निकालेंगे? अगर ये दोनों क्लियर हो तब आगे बताऊं, ठीक है? दोबारा मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में लिखा, एम वी स्क्वायर बाई आर किसके इक्वल था? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, सही है? टू से डिवाइड करने से कोई फायदा होगा? yes. बढ़िया, सबको लॉजिकल लगा, टू से क्यों डिवाइड करना चाह रहा हूँ, जिससे क्या बन जाए? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बन गया के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर, लॉजिकल। ये क्वेश्चन बनेगी हमारी सिक्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम सारी बातें किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक बात है ना? क्यू वन को जेड ई, क्यू टू को माइनस ई, ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी में साइन लेते हैं, फोर्स में नहीं लेते, तो क्या ऐसा बन जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। और इसके लॉजिक को समझो, रट्टा मतलब कौन, एक बाद में कंफ्यूजन होगी, क्या टोटल का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है? काइनेटिक हमारी क्या थी, के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर, पोटेंशियल क्या थी, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा, ये माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, सही बात है? अब मैं चाहता हूँ इक्वेशन सिक्स सेवन एट को ध्यान से देखो, कुछ खास बात दिख रही है? सिक्स सेवन एट को ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में इक्वल है और साइन में अपोजिट। अगर काइनेटिक एक्स है तो टोटल, ऐसा लास्ट क्लास में बताया भी था मैंने, ठीक है ना? और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ या डबल? देखो हाफ या डबल, तुम देखो मुझे नहीं पता, सिक्स का हाफ करने पर सेवन आएगा या डबल करने पर? मुझे लगता है डबल होना चाहिए, तो आराम से, कंफ्यूजन होती है, सिक्स और सेवन इक्वेशन को ध्यान से देखो। मैं चाहता हूँ इक्वेशन सिक्स और सेवन को देखो, इक्वेशन सिक्स में हमने देखा काइनेटिक कितनी है, के जेड स्क्वायर बाई टू आर, और सेवन में हमने देखा पोटेंशियल क्या है, माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। तो सिक्स का डबल करूं या हाफ करूं सेवन के लिए? डबल, तो वही लिखा मैंने, देखो यहाँ नोट करके लिख दिया ये बात, मतलब तो अगर ये नोट पता है तो बहुत हेल्प हो जाती है एग्जाम में। अब ये बताओ क्या आज हमने आर का फॉर्मूला पढ़ा, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, बताओ भाई, ठीक बोला? इससे आंसर किस में आ जाएगा, जूल में, ठीक है? अगर मुझे ईवी में लाना है तो क्या करूं?
एक ही से डिवाइड कर दूं, जो भी चीज मैंने ब्रैकेट में लिखी है जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 13.6। इसका मतलब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जूल को ईवी में कैसे लाते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं, बस मैंने इसे डिवाइड कर दिया। आर एन था क्या इक्वेशन 8 में, जो आर है ये रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट है ना। आज हमने क्या देखा, आर एन का फॉर्मूला क्या होता है, आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, नहीं सिर्फ डिवाइड करें, डिवाइड करने पर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने का तरीका है, इसे डिवाइड कर दो। और बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, बुक से देख के देखना, आसानी समझ में नहीं आती। जूल में हमें चाहिए नहीं, हमें आंसर हमेशा ईवी में चाहिए। जो जूल अगर जूल में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अच्छा मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मली जो भी क्वेश्चंस आते हैं एटम्स वाले इनमें एनर्जी ईवी में चाहिए। अगर तुम लोगों ने नोटिस करो फोटोलिटिक इफेक्ट में भी मैंने एनर्जी किस में निकाली थी, ईवी में। ये तो सारी एनर्जी ईवी में, ये सारी एनर्जी जो बताता हूँ पहले यहाँ तक नोट कर लिया सबने। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो क्लियर होगा कि जूल में लेना चाहिए ईवी में, ले किसी में समझ सकते हो। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए वो लेना चाहिए, कुछ भी ले सकते, बट रूल है अगर जूल में ले रहे हो तो सब कुछ जूल में, और ईवी में ले रहे हो तो सब कुछ ईवी में। मतलब जैसे लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर रहे हो, लेंथ अगर मीटर में तो ब्रेथ को भी मीटर में लेना पड़ेगा, और अगर तुम लेंथ को सेंटीमीटर में ले रहे हो तो ब्रेथ को भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐड नहीं कर सकते। मतलब सेम यूनिट्स में होना चाहिए। तो तीन फॉर्मूले में चाहता हूँ तुम लोग अच्छे से याद कर लो, आर एन इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, वी एन इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन, एंड माइनस एंड टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, और मैंने बोला बुक में जेड को क्या लेके चले, वन। बुक में तुम्हें जो फॉर्मूले देखेंगे उनमें जेड नहीं मिलेगा, बट मैं चाहता हूँ जेड वाले फॉर्मूले याद करो, क्योंकि एग्जाम में अगर हाइड्रोजन की जगह Li2 पॉजिटिव दे दिया, Li2 पॉजिटिव, तो भी फंस जाओगे। इसका मतलब जो फॉर्मूले मैंने लिखे ये यूनिवर्सल है, हर जगह लगेंगे, कभी फेल नहीं होंगे, ये बोलना चाह रहा हूँ। आगे डिस्कस करें इस पर, ठीक। तो देख लो भाई, मैं समरी बना रहा हूँ। पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया, आर एन इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, जहाँ पे मैं चाहता हूँ आर नॉट को नो याद रहे, कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जेड कितना डाल दूंगा। अब मैं निकालना चाहता हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट की वैल्यू, तो R1 कितना हो जाएगा, R नॉट एन बी वन है जेड बी वन है, क्या R नॉट ही आ जाएगा, मतलब कितना 0.529। अब मैं चाहता हूँ R2 निकालना, तो क्या लिखूं, सही बात है, सॉल्व करके बताओ 4R0 कितना आ गया, करो दो कितना आता है, आया किसी का, ठीक है ना, करके देख लूंगी। अब R3 कैसे निकालूंगा, आर नॉट, ठीक बात है, यानी इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, तुम लोग कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 4.761।
थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। एट पॉइंट टू थ्री के आसपास कुछ ऐसा आ जाएगा। दो करके कितना आता है? हाँ आ सकता है, 8.464, मतलब 8 समथिंग आ जाएगा। तो इसमें नोटिस करने वाली बात क्या होनी चाहिए कि जैसे जैसे ऑर्बिट में आगे बढ़ रहे हैं, अगर पहली ऑर्बिट आर नॉट है तो दूसरी कितनी है? थर्ड वाली 9 आर नॉट, सिक्स फोर्थ वाली, तो डिस्टेंस बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है क्या? एन पे चेंज हो रहा है या एन स्क्वायर पे? एन स्क्वायर। इसका मतलब पहली ऑर्बिट काफी पास होती है आर नॉट पे, दूसरी वाली 4 टाइम्स, थर्ड वाली 9 टाइम्स, फोर्थ वाली 16 टाइम्स। आई होप ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। मेन बात है तुमको ये ओरिजिनल फॉर्मूला याद रहना चाहिए, आर एन इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। अगर ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बन जाएंगे, और इस पे क्वेश्चन आते हैं निकालने को, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट के रेडियस निकाल लो। और मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये मॉडर्न फिजिक्स वाले, मतलब आराम से बनता है, बस बेसिक बात बता रहे, क्वेश्चंस कर दो, मतलब बहुत ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते इन टॉपिक पे। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो अगर मुझे ये फॉर्मूला याद है आर एन इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, तो आर वन आर टू आर थ्री आर फोर निकल जाएगा, ठीक बात है। अब वैसे हम लोग स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। वी एन इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन, जहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली बोला था वी नॉट तुम्हें याद करना है 2.2 × 10⁶। हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो जेड कितना डालूंगा? 1। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग कैलकुलेट करो वी वन वी टू वी थ्री एंड वी फोर। वी वन तो एक्चुअली वी नॉट ही आ जाएगा, और खुद से कैलकुलेट करो, मेरा देख के मत लिखना, वी नॉट जेड बाई एन। इसके अलावा दूर जाने पे स्पीड ज्यादा हो रही कम हो रही है? कम हो रही। इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उसकी स्पीड उतनी कम होती जा रही है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर स्पीड वी नॉट है तो सेकंड में वी नॉट बाई टू वी नॉट बाई थ्री वी नॉट बाई फोर, यानी स्पीड 1/n पे चल रही है। दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, रेडियस बढ़ती जाएगी स्क्वायर के हिसाब से, एन स्क्वायर के हिसाब से, और स्पीड कम होती जाएगी 1/n के हिसाब से। नहीं सबके वी एन इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन सबके लिए अप्लीकेबल है, बट नॉर्मली एग्जाम में किसके लिए आता है? हाइड्रोजन। 99% चांस है कि हाइड्रोजन के लिए आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे, मतलब क्या हुआ। तो क्या बोर मॉडल हम एन ए 10 पॉजिटिव पे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, बताओ भाई, लगा सकते हैं? बोर ने क्या बोला था? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, ये नहीं बोला था कि जेड वन होना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो बोर मॉडल लगेगा, तभी जनरल फॉर्मूला है, तभी तो मैं जेड ले रहा हूँ, सब जगह चलता है। बस एक कंडीशन है, सोडियम में नहीं लगेगा, सोडियम 10 पॉजिटिव लग जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बस। ध्यान देना मैंने प्रोटॉन नहीं बोला, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, प्रोटॉन कितने भी हो न्यूट्रॉन कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ना हम लोग, हाइड्रोजेनिक या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बोलते हैं, पढ़ा ऐसा कुछ? मैं इसके लिए एक वर्ड बोलता हूँ हाइड्रोजेनिक, हाइड्रोजेनिक का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन, तब नहीं चलेगा। वो मुझे नहीं पता कि अगर दो तीन इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या होगा, मुझे ये पता है कि भाई अगर तीन इलेक्ट्रॉन है तो पहले दो इलेक्ट्रॉन निकालो फिर हाइड्रोजन फिर लगा दो बोर मॉडल,
जैसे मैंने एग्जांपल के लिया था सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, 10 निकाल दिए मैंने, आप लग जाएगा बोर मॉडल, 10 पॉजिटिव समझ में आया, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन बचा। आई होप रेडियस सबको समझ में आ गई, स्पीड सबको समझ में आ गई। अब बात करते हैं एनर्जी की। और मैंने बोला एनर्जी हम जूल में निकालना चाहते हैं या ईवी में, ईवी जिसमें आसान पड़े, क्वेश्चन करोगे भी समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैं ये एनर्जी लेवल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। एन इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर मैं एन 1 डालता हूँ तो कितनी एनर्जी आएगी? -13.6। एन 2 की कितनी आएगी? 2 डिवाइड करके कितनी आती है? -3.4 आएगी। करके देखो एन 3 डाल के देखो, बढ़िया, वेरी गुड। -1.51, माइनस में लिखना है, ध्यान रखना। एन इक्वल टू 4 की बताओ भाई कितनी आएगी? 16 8 128 0.85। तो अगर ये एनर्जी याद कर लोगे तो कैलकुलेशन में बहुत फायदा मिलता है। -13.6, -3.4, -1.51 एंड -0.85। ये मैंने कौन सी एनर्जी लिखी? टोटल। अब मैं काइनेटिक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या लिखना चाहिए? सारे पॉजिटिव लिख दूँ? ये आज मैंने सिखाया, जितना टोटल होता है उतना ही पॉजिटिव में काइनेटिक होती है। ठीक है, टोटल एनर्जी नेगेटिव थी, इसमें नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? अट्रैक्शन। हाँ ठीक है, अट्रैक्शन कह सकते हो। मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस, ये गुड लाइन मानी जाती है या बेस्ट? बेस्ट। ये लिखोगे तो परफेक्ट, अट्रैक्शन गुड, अगर अट्रैक्शन बोलोगे वो भी करेक्ट, उसको गुड लाइन मानते हैं। बेस्ट लाइन है इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़कर नहीं भाग सकता, पकड़ रखा है न्यूक्लियस। अगर भगाना चाहते हो तो एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, और बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। नहीं नहीं, मॉड बताओ। अब मैं क्या लिखना चाहता हूँ? पोटेंशियल एनर्जी। बताओ भाई क्या लिखूं पोटेंशियल एनर्जी में, कौन बताएगा? पोटेंशियल होता है ट्वाइस ऑफ टोटल एंड माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक। तो डबल कर दूं, मुझे लगता है -27.2 आ जाएगा, -6.8। -3.02 ठीक है ना? और समझने वाली बात है कि फिजिक्स में चैप्टर यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ चैप्टर में देखो काफी टाइम लगता है, कुछ चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। तो अगर तुमने नोट्स अपने अच्छे से बनाए और तुमको 2 दिन का टाइम मिलता है सपोज बोर्ड में रिवीजन के लिए, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होऊंगा तो मैं पहले कौन कौन से चैप्टर उठाऊंगा? मॉडर्न फिजिक्स वाले, क्योंकि अगर मॉर्निंग में उठाओगे 10 बजे तो शाम को 4-5 बजे तक लगेगा कि अरे 6-7 चैप्टर तो कर डाले। 11, 12, 13, 14, 8, 7, 6, 5, ये 4 और 3, 7 चैप्टर छोटे हैं बड़े हैं?
आठ हो गए बल्कि, सही बोला, 5, 6, 7, 8 सोचो फर्स्ट बुक का, और सेकेंड बुक का 11, 12, 13, 14, 11, 12 अभी पढ़ाया है, सेम छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। अगर एसी में रिविजन करना तो तीन बातें तो काम की हैं, ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले पढ़ना चाहिए, दूसरा एलसीआर पढ़ना है। जब रिवीजन करने बैठते तो पता होता है क्या पढ़ना है, रिवीजन जब करने बैठो तुमको पता होना चाहिए, ये चीज जरूर आनी चाहिए, और कुछ आया चाहना है तो इसका मतलब एक दिन में काफी कुछ कवर हो जाता है, ये बोलना चाह रहा हूँ। अब तुमने सबसे पहले उठा लिया ऑप्टिक्स, सुबह 10 के रात के 10 बज गए अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा, समझ में? तो वाइजली रिविजन करना चाहिए, तो मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर कैसे करना है, वैसे मैं तुम्हें रिवाइज भी करवाऊंगा, बस जो बताऊँ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारे पास नोट्स बढ़िया से बने होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम टाइम में तुम नोट्स ढूंढते फिर रहे हो, और अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स सबसे काम के होते हैं, दूसरों के नोट्स नहीं, नहीं तो फिर मैं लास्ट ईयर वाले के नोट्स ना दिलवा दूँ तुम्हें, पढ़ लो, नोट्स हमेशा अपने हाथ से बनाने चाहिए। जैसे मैं अभी स्लाइड में लिख रहा हूँ, ये बात मैंने लास्ट ईयर भी तो लिखी होगी, और वो स्लाइड है मेरे पास, पर मैं पिछली स्लाइड से पढ़ाता हूँ या नई स्लाइड लिखता हूँ, हमेशा हमेशा नई स्लाइड में लिखता हूँ। चलो नोट्स अपने हिसाब से बनाओ बनाओ, और जो भी चीज़ अच्छी लगे, कोई पॉइंट मिल जाए, उसको हिंदी में, इंग्लिश में, जो जिस भी लैंग्वेज में तुमको लगता है बढ़िया तुमको समझ में आएगा, उसमें लिख लिया करो अपनी कॉपी में। ये सर ने बहुत क्लियरली बोला है, अगर काइनेटिक एनर्जी एक्स है तो टोटल माइनस एक्स है, एंड पोटेंशियल माइनस टू एक्स। अब इसको जैसा लिखना है लिख लो, जिससे तुमको समझ में आए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, और बाद में जब तुम लोग बैठोगे, चाहे डी यू के लिए बैठो, चाहे नीट के लिए बैठो, चाहे जेई के लिए बैठो, वहां पर व्हाट इज बोर्ड मॉडल तो नहीं पूछेगा ना, वहां पर तो क्वेश्चन पूछेगा, तो वहां ही अंडरस्टैंडिंग ही तो काम आएगी, और क्वेश्चन कैसा पूछेगा आइडिया देता हूं मैं, सुनना मेरा क्वेश्चन। अभी बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब इलेक्ट्रॉन को हटाकर मैंने एक नया पार्टिकल डाल दिया जिसका मास 10 times इलेक्ट्रॉन का, तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा, स्पीड का, रेडियस का या एनर्जी का? सब बदल जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है, रट्टा आया, अब तो ये वही कर पाएगा जिसने ये बात समझी है, वो तो वही कर पाएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ बात को समझो जो बताया जा रहा है, रट्टा लगाओगे तो फिर क्वेश्चन बनाने वाले भी तो बहुत दिमाग लगाते हैं। नहीं नहीं चार्ज नहीं, मैंने बोला एक ऐसा पार्टिकल है सपोज जो 10 times है इलेक्ट्रॉन के मास के, चार्ज सेम है, अब उस फॉर्मूले में वापस आ जाओ तो दिखाता हूँ मैं, चलो देखना मैंने क्या बात पूछी, क्या इक्वेशन 2 दिख रही है, इक्वेशन 2 में मास कहीं आ रहा है स्पीड में, इसका मतलब स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन 4 देखो, मास के साथ इनवर्स रिलेशन, इक्वेशन 4 में दिखेगा, 5 में नहीं दिखेगा, देखो देखा, समझ में आया? ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं। अभी जो डेरिवेशन कर रहा हूँ उसमें मैंने अज्यूम करा है कि न्यूक्लियस कैसा है, रेस्ट पे, न्यूक्लियस को भी तुम करवा सकते हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को सेंटर ऑफ मास के बोर्ड घुमा दिया, बहुत कुछ बनता है, तो एटलीस्ट जो बताया उसको ध्यान सुनो, इससे फायदा मिलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट है। चलो तो हम जो डिस्कस कर रहे थे उसमें वापस आते हैं, आई होप ये टेबल सबको अच्छे समझ में आ गई, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, लॉजिकल है, सोचो ऐसा क्यों होना है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे गैप कम होता जाएगा, हाँ एनर्जी लेवल में, एनर्जी लेवल में फर्स्ट की एनर्जी कितनी है, सेकेंड की, थर्ड की, एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है, कहाँ से आते जा रहा है, ऑर्बिट नहीं, एनर्जी उन ऑर्बिट की एनर्जी, ऑर्बिट तो आर से लिंक्ड है ना, आर नॉट, 4R0, 9R0, ऑर्बिट्स दूर होती जा रही हैं, पर उनकी एनर्जी, देखेंगे अभी क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी से फिजिक्स नहीं आती है, क्वेश्चन से। अब फोर्थ पॉइंट ध्यान से देखना, अभी मैं इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा, ध्यान सुन लो बस,
एक इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालूं? टाइम का एक बेसिक फॉर्मूला हमें क्या पता है? बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक राउंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? 2πr। कितनी स्पीड से? v। क्या मैं r को r नॉट n स्क्वायर बाय z कह सकता हूँ? और v को v नॉट डेल बाय। बढ़िया, क्या बन गया ये? 2πr नॉट n क्यूब बाई v नॉट z स्क्वायर। इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को मैं क्या लिखने वाला हूँ? v नॉट। अब देखो मैं आइडिया दे रहा हूँ ना, इससे तुम्हें एग्जाम में फायदा मिलेगा, तो आइडिया को ध्यान से देखो। ये भी ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब t नॉट की वैल्यू मैं चाहता हूँ तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ कितनी। और ये सब तुमको बुक में नहीं मिलेगा फॉर्मूला, बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन को सर्कल सर्कुलर मोशन, हाँ अल्फा पार्टिकल को क्या आर नॉट की वैल्यू पता है? मैं 0.529 एंगस्ट्रॉम मैं चाहता हूँ उसको किसमें बदलो? मीटर में। क्या वी नॉट पता है? तो मैं चाहता हूँ सॉल्व करके मुझे बताओ टी नॉट कितना आया, अप्रोक्सीमेट बता दो। जो मैंने ये क्वेश्चन एक्स बनाई है ना, उसमें जो ब्रैकेट के अंदर है उसको मैंने टी नॉट लिख दिया, तो मैं चाहता हूं तुम लोग इसको एज अ रिजल्ट देखो, टी एन इक्वल टू टी नॉट एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं टी नॉट की वैल्यू तुम लोग बताओ। 1.5 मान लेता हूँ, चलो 10 टू पावर बता दो। बढ़िया, -69 है, देख लो भाई करके करके देख लो। मैं तुम्हारी जगह होता तो पाई को 22/7 डालता। 2.2 से लगे। मैंने थोड़ा आइडिया दिया, उस आइडिया को समझो मैंने क्या बात बोली। पाई को 3.14 या 22/7 डालोगे तो फायदा मिलेगा। अरे जब हम 9.8 को 10 ले लेते हैं तो क्या डिफरेंस इतना, समझ आया मैंने क्या बात बोली? मतलब थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है, जैसे 1.5 हो सकता है एग्जैक्टली कितना आ रहा हो, 1.6 या 1.4 मुझे नहीं पता कितना है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया भाई 1.5 आ रहा है मेरा, कैसे आ रहा है? 2 और r नॉट मुझे कितना दिख रहा है? 2 और r नॉट 1 दिख रहा है क्या मुझे? देखो ना मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ। पाई को 22/7 डाल दिया, 1.4 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो अगर फोकस करोगे तुम्हें दिखेगा, बहुत सारी चीजें देख कर कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन ट्राई करें इस पे, अगर ये सारे फॉर्मूले समझ में आए हो तब। चलो भाई बुक ओपन करो, जो क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने घर पे। ठीक है मॉड्यूल नहीं नहीं अभी एक क्लास और लगेगी, अभी लाइमन बाबर नहीं बताया ना मैंने, चेक करना लिमिटेशन और अदर फॉर्म लिखवाया नहीं लिखवाया। ठीक है टॉपिक 8 ओपन करो भाई अपनी बुक में। क्या हमने 3 पोस्टुलेट्स पढ़ी? देख लो भाई, ठीक है सबको रीड करना है, कोई पॉइंट अगर ना समझ में आया तो मुझसे अगली क्लास में पूछ लो। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? L is mvr equal to nh by 2π। थर्ड रूल क्या बोलता है? डेल्टा इक्वल टू एच न्यू, राइट? फिर क्या हमने ऐसा पढ़ा? वी एन इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन।
आर एन इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, टी एन इक्वल टू टी नॉट एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, ठीक है ना। फिर एनर्जी की देखो जूल वाली और ईवी वाली दोनों फॉर्म दी हुई, राइट। मैं कौन सी फॉर्म पर फॉलो करता हूँ, ईवी वाली, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर तुम जूल वाली भी चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जूल वाली भी यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट 2.2 कह सकता हूँ उसे, या 2.18 कर लो, इनटू 10 टू पावर माइनस 80। वो क्वेश्चन करेंगे देखेंगे। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, देखो लिखा है क्या, बस यही वर्ड लिखना है एग्जाम, ये स्टेटमेंट लिखना है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस, बस बाकी सब फालतू बात। अब मार्क करो जो घर पे ट्राई करना है, एग्जाम्पल 10 टू मार्क्स, 11 टू मार्क्स, बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करना और फिर नहीं आएगा तो मुझसे पूछना। 12 आज मैंने करवा दिया क्या, 12 देखो करवा दिया क्या मैंने, क्वेश्चन में स्पीड पूछा है बता दिया, टाइम पीरियड पूछा है बता दिया मैंने, फिर भी तुम लोग ट्राई करना। 13 टू मार्क्स, ये भी करवा दिया क्या, ये आर टू और आर थ्री पूछ रहा है। एग्जाम्पल 14 वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझसे जरूर पूछना। ठीक है, उसके बाद देखो लिखा है एनर्जी लेवल्स, क्या मैंने एनर्जी लेवल्स ही बता दिया तुम लोगों को, देखो सही है। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ, बस 2 मिनट चाहिए मुझे, लास्ट क्वेश्चन देख लो, 2 मिनट में, बस 2 मिनट चाहिए मुझे। क्या ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एन कितना है, 2, ग्राउंड का मतलब एन वन होता है, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी बोली है, माइनस 3.4, तो काइनेटिक कितनी होगी, प्लस 3.4, और पोटेंशियल कितना होगा, आ गया आंसर, बस इतना ही करना है, एग्जाम में आता है। अब सी पार्ट क्या कर रहा है, विच आंसर वुड चेंज इफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज, नॉर्मली हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां पे लेते हैं, इनफिनाइट पर, अब तुम करो इनफिनाइट की जगह में कहीं और जीरो लेना चाहता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुन लो मेरी बात, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां पे लेते हैं हम लोग, इनफिनाइट पर। अब तुम करो नहीं, इनफिनाइट पे लेने के बजाय मैं कहीं और लूंगा, 10th ऑर्बिट पे लूंगा, कहीं पे भी ले सकते हैं, तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मैं बोलना चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती। अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी का फ्रेम बदलोगे, इनफिनाइट की जगह कहीं और जीरो लोगे, तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो नहीं लेंगे, हमेशा फ्रेम किसके लिए डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिफाइंड है, टोटल और पोटेंशियल बदल जाएगा, काइनेटिक पे फर्क नहीं पड़ेगा। सी पार्ट इस पे कॉन्सेप्चुअल है, देख लो ये पार्ट प्रॉब्लम करता है लोगों को। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी इनफिनाइट की बजाय एन इक्वल टू 10 ऑर्बिट पे ले ली, तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल और टोटल बदल जाएगी। आंसर पढ़ के देखो, इफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चूजन डिफरेंटली, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी विल बी अफेक्टेड। अगर इस पे अच्छा क्वेश्चन करना चाहते हो तो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करो, उस पे क्वेश्चन डाला गया है इस कॉन्सेप्ट पे, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, उस पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो, एग्जाम में आ भी सकता है। देखो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया कहाँ जा रहा है, 12 में, और डाला कहाँ पर है, चैप्टर 2 में। ठीक है, इतना करते, इंडिपेंडेंट है।